चमगादड़ जो होते हैं वो इकोलेशन से सुनते हैं और जो स्नेक्स होते हैं वो वाइब्रेशन को फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव टू एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। कोई ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनसे पता चलता है जानवरों के कम्युनिकेशन का। आंसर है हमारा चिंपैंजीज चिंपैंजीज टच हैंड्स टू ग्रीट ईच अदर टू ग्रीट ईच अदर। गोरिल्लास स्टिक आउट देयर टंग आउट देयर टंग टू शो एंगर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन बीज एंड हाउ कैन बीज एंड बटरफ्लाई टेस्ट द फूड। मधुमक्खियां और तितलियां खाना कैसे टेस्ट करती हैं? बीज एंड बटरफ्लाई बीज एंड बटरफ्लाइज टेस्ट विथ देयर फीट। वो अपने पैरों से खाना टेस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इज द स्लीपिंग पैटर्न सेम इन ऑल एनिमल्स? इज द स्लीपिंग पैटर्न इज सेम इन ऑल एनिमल्स? एक्सप्लेन। आंसर है हमारा स्लीपिंग पैटर्न वेरी विथ डिफरेंट एनिमल्स। स्लीपिंग पैटर्न वेरी विद डिफरेंट एनिमल्स। सभी जानवरों का स्लीपिंग पैटर्न अलग अलग होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए देते हैं हम डॉल्फिन्स स्लीप
With an open eye. With an open eye. यानी कि डॉल्फिन जो होती है वो आंखें खोलकर सोती है. हॉर्स स्लीप व्हाइल दे आर स्टिल स्टैंडिंग. घोड़े जो होते हैं वो खड़े खड़े सोते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा. नेम टू प्रोफेशंस. नेम टू प्रोफेशंस वेयर वेयर एनिमल्स आर यूज. किन्हीं ऐसे दो प्रोफेशन के नाम बताने हैं जहां पे जानवरों का इस्तेमाल होता है. आंसर है सर्कस एंड मंकी चार्मर्स. मेरा फेस आना चाहिए. टुडे होमवर्क. Learn and write classwork in notebook. आप सभी बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में लिखने भी है और लर्न भी करने हैं. फिर मिलेंगे. थैंक यू.